सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये बोला है, मैंने बोल रहा हूँ इस वीडियो में जो भी रिस्क बता रहा हूँ वो सब अप्रूव्ड एजेंसी बताया। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का इस वीडियो में आपको कुछ कोविड रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत लोगों को पता नहीं। तो वैक्सीनेशन एक नया पॉपअप हुआ, वैक्सीन सर ऑनली 95% से, और अभी जो 5% जो रिस्क रहता है वो रिस्क के बारे में आज इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। बहुत ही सोच समझ के मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो मैं उसके खिलाफ तो नहीं हूँ, सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए इस कोविड-19 पैंडमिक को ख़त्म करने के लिए। मैं सिर्फ उस 5% रिस्क बताऊंगा क्योंकि हर एक चीज़ को कुछ डिसएडवांटेज रहता है, तो आज इस वीडियो में आपको ये कवर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टू द वीडियो। सबसे पहले रिस्क ये होता है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन मतलब दोनों डोज लेने के बाद कोविड जब डोज अंदर जाता है तो कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से बहुत लोग थोड़े मतलब बहुत रेयर पीपल में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सही है गाइस, अगर आप वैक्सीनेशन लिए हैं तो बहुत रेयर फिनोमेना है कि आपको ब्लड क्लॉटिंग जो भी थ्रोम्बोसिस जो है वो साइड इफेक्ट हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब भी आप खून बाहर आता है तो स्टॉप नहीं होता, तो एक साइड इफेक्ट है लेकिन बहुत रेयर है, सभी को नहीं होता। तो एक ब्लड क्लॉटिंग थोड़े लोगों को हो रहा है वैक्सीनेशन पोस्ट वैक्सीनेशन। एंड रिस्क ये है कि कोरोना वैक्सीन के बाद आपको पता है नॉर्मल सिम्टम्स जो बहुत सीरियस कंसिडर नहीं होता, अगर आप वैक्सीनेशन लें तो एक दो दिन फीवर नॉजिया डिजीनेस होगा, फिर थोड़ा सिम्टम्स है छोटे छोटे सिम्टम्स जो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं एंटीबॉडीज, उसका मतलब ये है कि अगर अपने बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि एनफिलैक्सिस मतलब एक एलर्जिक रिएक्शन का एक साइड इफेक्ट है कोविड वैक्सीन पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद, जो बहुत लोगों को कम होता है सभी को नहीं होता, कि स्वेलिंग होता है अपने बॉडी पर, रैशेस प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो सभी को नहीं होता। तो ये भी रेयर है, जैसे कि मैं CDC मतलब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये बोला है, मैंने बोल रहा हूँ इस वीडियो में जो भी मैं ऐसा रिस्क बता रहा हूँ वो सब अप्रूव्ड एजेंसी बताया, जैसे कि CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड एजेंसी जैसे कि मैंने बताया था। तो ये बोलता है कि जो एनफिलैक्सिस फिनोमिना जैसे कि रैशेस, स्वेलिंग, फीवर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब थोड़ा फिनोमिना थोड़े लोगों में हो सकता है पोस्ट वैक्सीनेशन। अगर आपको ये हुआ है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।